हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद अंसारी, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। दोस्तों, बिहार बोर्ड द्वारा जो स्टूडेंट पास किए हुए हैं उनको 10,000 और 20,000 बिहार बोर्ड द्वारा यह छात्रवृत्ति देने का वादा किया गया है। उन स्टूडेंट को मिलेगा, कुछ कंडीशन बिहार बोर्ड लगाया है दोस्तों, तो मैं उसी के बारे में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार के 28,000 विद्यार्थियों को मिलेगा केंद्रीय कोटे की छात्रवृत्ति। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर का बम्पर रिजल्ट इस बार सैकड़ों विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दिलाएगा। दोस्तों, इस साल जो रिजल्ट आया था 2019 में, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया था उनके, जिस कारण जो है दोस्तों उनको छात्रवृत्ति बिहार बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों यहां पे बता दें कि जिन छात्रों को इंटर में 75% और उससे अधिक अंक आए हैं उन्हीं को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे यह कंडीशन लगाया गया है कि जिनका जो मार्कशीट यानी कि जिनका नंबर 75% से अधिक है उन्हीं को यह लाभ मिलेगा छात्रवृत्ति का, अन्यथा दोस्तों उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनका 75% से कम है। बिहार के 28,407 विद्यार्थियों की सूची मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी गई है। दोस्तों, बिहार के जो भी 28,407 स्टूडेंट थे उनकी सूची जो मंत्रालय को भेज दी गई है। यह एक ऐसा संस्था है दोस्तों, यानी केंद्रीय कोटे का यह एक संस्था है जो छात्रवृत्ति प्रोवाइड कराता है भारत सरकार द्वारा। जाने दी वाली केंद्रीय कोटे यानी कि यह सेंट्रल सेक्टर द्वारा यह छात्रवृत्ति प्रोवाइड कराता है उन स्टूडेंट के लिए जो इंटर पास कर चुके हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में वो एडमिशन लेते हैं। तो ग्रेजुएशन में वो एडमिशन के लिए पढ़ाई करने के लिए दोस्तों यह छात्रवृत्ति जो है केंद्रीय कोटे द्वारा जो है 10,000 दिया जाएगा जो भी ग्रेजुएशन में है, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो यानी कि स्नातक कोतर जो भी होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, टू टाइप्स ऑफ ग्रेजुएशन होता है, यानी कि दो प्रकार का ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन और यूजी अंडर ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे उन लोगों को 20,000 दिया जाएगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, और जो भी है दोस्तों स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में है या डिग्री में, उनको 10,000 जो है छात्रवृत्ति दिया जाएगा हर वर्ष, यानी कि वर्ष में वार्षिक परीक्षा में दिया जाएगा, यानी कि पढ़ाई करते वक्त सालाना इस उनको 10,000 छात्रवृत्ति दी जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट छात्रवृत्ति का लाभ सबसे ज़्यादा जो है वहाँ के उठाएंगे, पटना का यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाम आया हुआ है कि उन कॉलेज या स्कूल का जो है दोस्तों स्टूडेंट जो है ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। एएन कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल है, एएन कॉलेज में 199 प्रत्याशी जो है चयनित हुए हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी हुए हैं दोस्तों सबसे अधिक कॉलेज, और 300 से लगभग स्कूल शामिल है। यहाँ पे जो भी 2019 में ग्रेजुएशन यानी कि इंटर में पास किए गए हैं वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनकी मार्कशीट 75% ज़्यादा है, तो उनके लिए छात्रवृत्ति जो है आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि यह एक भारत द्वारा संचालित किया जाने वाला केंद्र है जो कि इस छात्रवृत्ति प्रोवाइड कराता है, और बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर रहता है उनके अगले पढ़ाई के लिए। दोस्तों 14,000 छात्रों को लाभ यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का छात्र मिलेगा, और देश भर में 82,000 छात्र होंगे लाभान्वित, यानी कि ये पूरे इंडिया में ही इस छात्रवृत्ति को दिया जाएगा चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। बस दोस्तों, आप यदि 75% आपका बिहार बोर्ड से पास किए हुए हैं तो इंशाल्लाह आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी स्नातक में पढ़ाई करने के लिए, और जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको 20,000 दी जाएगी। बस दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बी एस एम एल, बी एफ पी, टेक केयर एंड बाय बाय।